नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिर्बान और आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑनलाइन टेक गुरु की और एक न्यू एंड एक्साइटिंग एपिसोड में। दोस्तों, अगर आपको एक नया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो और अगर आपका बजट है 8,000 से लेकर 9,000 रुपीस के बीच, तो आज का ये वीडियो जरूर अंत तक देखेगा, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं कॉम्पेरिजन करूंगा ऐसे 3 टॉप मॉडल्स को लेके। एक है इन्फिनिक्स S5 लाइट, दूसरा है टेक्नो स्पार्क पावर और तीसरा है इन्फिनिक्स S5। तो ये तीनों टॉप मॉडल आपको देखने को मिल जाएगा इसी प्राइस रेंज में। तो आज इस वीडियो में करूंगा इन तीनों का कंपैरिजन और आपको बताऊंगा सबसे बेहतर स्मार्टफोन कौन सा है। तो ये वीडियो जरूर अंत तक देखेगा। तो गाइस, बिना कोई टाइम गवा के लेट्स गेट स्टार्टेड। सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन टेक गुरु चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आप पाए हमारे वीडियो सबसे पहले। तो गाइस, ये जो तीन स्मार्टफोन है, तीनों स्मार्टफोन का प्राइस के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो जो इन्फिनिक्स S5 है उसका प्राइसिंग है 9,000 रुपीस, जबकि टेक्नो स्पार्क पावर के जो प्राइस है वो है 8,500 रुपीस, और जबकि इन्फिनिक्स S5 लाइट का प्राइसिंग है 8,000 रुपीस। तो ये जो तीनों स्मार्टफोन है इसका जो प्राइसिंग है वो बस 500 रुपीस का डिफरेंस है। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशन को लेके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिजाइनिंग एंड बिल्ड क्वालिटी को लेके। तो ये जो तीनों स्मार्टफोन है कुछ इस तरह का दिखते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो आपके स्क्रीन के ऊपर। और जो बिल्ड मटेरियल है, तीनों स्मार्टफोन में आपको प्लास्टिक बॉडी देखने को मिल जाएगा। फिलहाल बात करते हैं डिस्प्ले को लेके। तो जो डिस्प्ले है वो इन्फिनिक्स S5 और इन्फिनिक्स S5 लाइट में सिमिलर है। दोनों स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाएगा 6.6 इंच का डिस्प्ले HD+ रेजोल्यूशन के साथ। इसमें आपको 20.9 एस्पेक्ट रेशियो डिस्प्ले मिल जाएगा, और इसमें दोनों फोन में आपको IPS LCD पैनल दिया गया है। इसमें आपको मिल जाता है पंच होल डिस्प्ले, और इसका जो PPI है वो है 266 PPI। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं टेक्नो स्पार्क पावर के बारे में। इसमें आपको 6.3 इंचेस का डिस्प्ले मिल जाता है, इसमें आपको HD+ रेजोल्यूशन मिल जाता है, उसके साथ AMOLED डिस्प्ले है, और इसमें आपको 269 PPI देखने को मिल जाएगा, और इसमें आपको वाटर ड्रॉप नॉब देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों डिस्प्ले कुछ इस तरह का है। तो डिस्प्ले की बात करें तो मुझे लगता है कि टेक्नो स्पार्क पावर कुछ बेहतर होगा, क्योंकि इसमें आपको AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, यानी कलर रिप्रोडक्शन और कलर का जितना बेहतरीन डिस्प्ले आपको मिल जाता है वो आपको टेक्नो स्पार्क पावर में देखने को मिल जाएगा। हालांकि AMOLED डिस्प्ले यानी कि जो बैटरी होगा वो ज़्यादा कंज्यूम करेगा टेक्नो स्पार्क पावर में। बात करते हैं वेरिएंट को लेके। तो तीनों स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाएगा 4GB रैम के साथ 64GB का इनबिल्ट स्टोरेज, और तीनों स्मार्टफोन में आपको एक्सटर्नल 256GB तक सपोर्ट करता है। अभी बात करते हैं कैमरा को लेके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन्फिनिक्स S5 की कैमरा को लेके। तो इन्फिनिक्स S5 की बैक साइड में आपको 4 कैमरा देखने को मिल जाएगा, यानी कि क्वाड कैमरा सेटअप है, जिसमें आपको प्राइमरी सेंसर मिल जाता है 16MP का, जिसका अपर्चर है f1.8। इसके बाद आता है 5MP का कैमरा जो कि एक मैक्रो लेंस है, उसके बाद आपको 2MP का डेप्थ सेंसर मिल जाता है, और उसके साथ साथ एक लो लाइट सेंसर भी दिया गया है, यानी कि लो लाइट सेंसर के लिए आपको अच्छा खासा फोटो मिल जाएगा लो लाइट कंडीशन में। ठीक है, और आपको फ्रंट पे मिल जाता है 32MP का कैमरा। अगर फ्लैश की बात करें तो आपको पीछे मिल जाता है क्वाड फ्लैश, और सामने आपको बस स्क्रीन फ्लैश मिल जाता है। ठीक है, तो ये रहा। और उसके बाद बात करते हैं टेक्नो स्पार्क पावर के बारे में। तो इसमें आपको बैक में 3 कैमरा मिल जाता है, एक 13MP का कैमरा जिसमें आपको अपर्चर मिलता है f1.8, इसके बाद आता है 8MP का कैमरा, उसके साथ साथ आपको मिलता है 2MP का कैमरा, और फ्रंट में आपको मिलता है 13MP का कैमरा। और अगर हम फ्लैश की बात करें तो पीछे में आपको क्वाड फ्लैश देखने को मिल जाएगा, जबकि सामने आपको डुअल LED फ्लैश दिया गया है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इन्फिनिक्स S5 लाइट के कैमरा के बारे में। तो इसका भी पीछे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। सबसे पहले आपको मिल जाता है 13MP का एक प्राइमरी कैमरा सेंसर, जिसका अपर्चर है f1.8, उसके बाद आ जाता है 2MP का डेप्थ सेंसर, और तीसरा है लो लाइट सेंसर, यानी कि इस स्मार्टफोन में आपको लो लाइट में अच्छा फोटो मिल जाएगा। और फ्रंट में मिलता है 16MP का कैमरा, जिसका अपर्चर है f2.0, और जो फ्लैश की बात करें तो पीछे आपको मिल जाता है क्वाड LED फ्लैश, जबकि सामने आपको बस स्क्रीन फ्लैश मिल जाता है। तो कैमरा की बात करें सबसे बेहतर आपको मिल रहा है इन्फिनिक्स S5 में। अगर हम टेक्नो स्पार्क पावर के बारे में बात करते हैं तो इसमें भी कैमरा अच्छा है, लेकिन इन्फिनिक्स S5 के मुकाबले उतना बेहतर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। और इन्फिनिक्स का जो S5 लाइट है वो भी ठीक ठाक है, क्योंकि इसका प्राइस ही कुछ इस तरह का है कि इस प्राइस में इन्फिनिक्स एक अच्छा कैमरा सेटअप दिया है। इसके बाद बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में। तो तीनों स्मार्टफोन में आपको मिल जाता है सिमिलर प्रोसेसर, तीनों स्मार्टफोन में आपको मिल जाता है MediaTek की हेलियो P22। तो ये एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, और ये कॉर्टेक्स A53 बेस्ड है, और इसका जो क्लॉक स्पीड है वो है 2 GHz। बात करते हैं एंड्रॉइड वर्जन को लेके। तीनों स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉइड 9.0 मिल जाता है, यानी कि एंड्रॉइड पाई मिल जाता है तीनों स्मार्टफोन, जो कि काफ़ी अच्छा है। और अगर बैटरी की बात करें तो इन्फिनिक्स S5 में 4000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है,
और जो टेक्नो स्पार्क पावर्ड है उसमें आपको मिल जाता है 6000 mAh की बैटरी, और जो इन्फिनिक्स S5 लाइट है उसमें भी आपको मिल जाता है 4000 mAh की बैटरी। तो बैटरी के मुकाबले जो टेक्नो स्पार्क पावर है वो पहले आ जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा बैटरी होगा उतना लॉन्ग लास्टिंग करेगा, यानी कि उतना ज़्यादा आपको बैकअप देगा। लेकिन इन जो टेक्नो स्पार्क पावर है उसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, यानी कि जो यूजेस होगा यानी जो डिस्प्ले का जो कंजम्पशन होगा बैटरी का वो भी टेक्नो स्पार्क पावर में ज़्यादा होगा, और उसके लिए उसका जो बैटरी है वो भी कुछ ज़्यादा दिया गया है। तो अगर हम बात करें बैटरी को लेकर तो कुछ तरह का देखने को मिल जाता है। और तीनों स्मार्टफोन में आपको यूएसबी 2.0 ही मिलता है, यानी कि यूएसबी सी टाइप तीनों स्मार्टफोन में से किसी भी स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिल रहा है। तो गाइस इन तीनों स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन कुछ इस तरह का, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिलहाल बात करते हैं सबसे बेहतर स्मार्टफोन कौन सा है। तो अगर आप मेरे राय मानते हो तो टेक्नो स्पार्क पावर बहुत ही अच्छा एक फोन है और काफी बैलेंस फोन है, यानी कि इन्फिनिक्स S5 एंड इन्फिनिक्स S5 लाइट के मिडिल में एक बैलेंस फोन आपको मिल रहा है टेक्नो स्पार्क पावर, जो कि काफी अच्छा लगा मुझे। इसका डिस्प्ले ज्यादा बेहतर है, ठीक है। डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, यानी जो कलर रिप्रोडक्शन होगा ज्यादा बेहतर होगा टेक्नो स्पार्क पावर में। इसके अलावा जो कैमरा की बात करें तो उसमें इन्फिनिक्स S5 ज्यादा आगे आ जाता है, लेकिन टेक्नो स्पार्क पावर का भी कैमरा काफी अच्छा है। और इसके बाद जो बैटरी कैपेसिटी वो भी काफी ज्यादा है, जो कि इन दोनों स्मार्टफोन के मुकाबले मुझे अच्छा लगा, ठीक है। और अगर प्राइसिंग की बात करें तो इन्फिनिक्स S5 एंड इन्फिनिक्स S5 लाइट के बीच में आपको जो प्राइसिंग मिल रहा है वो ठीक ठाक है, 8499 rupees। तो ये तीनों स्मार्टफोन था। अभी आप मुझे बताओ कि इन तीनों स्मार्टफोन में से आप कौन सा लेना ज़्यादा पसंद करोगे, तो आप नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना इन तीनों स्मार्टफोन में से आप कौन सा स्मार्टफोन लेना ज़्यादा पसंद करोगे। तो गाइस इन तीनों स्मार्टफोन का जो खरीदने का लिंक होगा वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस लिंक पर विजिट करके आप इस स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हो। ये स्मार्टफोन आपको मिल रहा है फ्लिपकार्ट पे, और फिलहाल फ्लिपकार्ट में आपको 10% डिस्काउंट मिल रहा है HDFC कार्ड के थ्रू, क्योंकि कुछ सेल चल रहा है फ्लिपकार्ट पे, ठीक है। और गाइस आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं तरह तरह की ऑफर्स, कैशबैक, कूपन या फिर डील्स रिलेटेड जितने भी ऑफर्स होते हैं सब कुछ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो आप जगह पर चेक कर लेना और ज्वाइन भी कर लेना, ताकि आप कोई भी ऑफर मिस ना करो। तो गाइस आज का ये वीडियो बस इतना ही था, जिसमें मैंने आपको बताया इन तीनों स्मार्टफोन के बारे में, इन्फिनिक्स S5 लाइट, इन्फिनिक्स S5 एंड टेक्नो स्पार्क पावर के बारे में। तो इन तीनों स्मार्टफोन का कंपैरिजन किया और आपको बताया सबसे बेहतर स्मार्टफोन कौन सा है मेरे हिसाब से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो उन दोस्तों के साथ जिसका बजट है 8000 से लेकर 9000 रुपीस के बीच। और गाइस इस तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर लेते हैं दोस्तों, आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी अगली वीडियो तक, तब तक के लिए बाय बाय।